वेलकम टू हैदराबादी फूड। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं एकदम मज़ेदार हैदराबादी गोश्त के अचार की रेसिपी, जिसे आप स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं। बकरीद करीब आ रही है और मीट घर पर ज़्यादा होता है, तो आप इसे अचार बनाकर स्टोर कर सकते हैं और फिर ओवरसीज़ भी हम बेचते हैं, तो उसके लिए हम आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रहे हैं। तो मैं आपको कम क्वान्टिटी में बता रही हूँ, हमारे पास गोश्त का अचार उतना इस्तेमाल नहीं होता, आप इसे क्वान्टिटी डबल ट्रिपल कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर 300 ग्राम मीट लिया है मैंने बोनलेस, और इसे इस तरह से छोटे पीसेस में कट कर लिया है। मैंने इसे कुकर में ऐड किया है, तो पहले हम इसे तला लेंगे। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून फुल जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून, साथ ही इसमें सॉल्ट डालेंगे 1/2 टीस्पून और पानी हम ऐड करेंगे 1/2 ग्लास और इसे अच्छे से टेंडर होने तक कुक कर लेंगे। इसे गैस पे रखेंगे और 6 से 7 व्हिसल आने तक, जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए, इसे कुक करेंगे। ये देखिए कुकर रख दिया है मैंने और गैस का फ्लेम मीडियम है, मीडियम फ्लेम पे हम इसे मटन सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। जब तक मटन टेंडर होता है, हम अचार का मसाला रेडी करते हैं। क्वांटिटी के हिसाब से बता रही हूँ, मैंने 250 ग्राम लिया है, तो मसाले की क्वांटिटी भी रेड्यूस होगी। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं, डबल 500 ग्राम का बना रहे हैं, तो सारे मसाले आप डबल कर दें। यहाँ पर धनिया, साबुत धनिया लिया है मैंने 1/2 टीस्पून, ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून, राई ली है 3/4 टीस्पून, मेथी ली है 1/4 टीस्पून और साथ ही कलौंजी ली है 1/4 टीस्पून और साथ ही इसमें हम थोड़े से लाल मिर्च ऐड करेंगे, ड्राई रेड चिली, और इसे भी थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट करके पीस लेंगे। नॉनस्टिक पैन रख दिया है मैंने और गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और हल्के से गर्म हो चुका है और गैस का फ्लेम मैं लो करूँगी और इसमें हम ऐड करेंगे धनिया, साथ ही बाजार की मिर्च, ज़ीरा, मेथी, कलौंजी, इन सब चीज़ों को हल्का सा रोस्ट करेंगे इसकी स्मेल आने तक और फिर गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे। याद रहे मसालों को ओवर कुक नहीं करना है, हल्की सी स्मेल आ रही है धीमी सी और ये हो चुका है, तो मैं गैस का फ्लेम ऑफ करूंगी और इसे ठंडा होने के बाद हम पीस लेंगे। ये देखिए मसालों को मैंने ब्लेंडर में डाल दिया है, अब इसका हम एक फाइन पाउडर बना लेंगे और साइड में रख लेंगे। ये देखिए एकदम फाइन पाउडर बना लिया है, चलिए इसे निकाल देंगे। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है और आप देख सकते हैं, देखिए गोश्त अच्छे से गल चुका है, हाथ से टूट रहा है आसानी से और पानी भी सारा ड्राई हो गया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप 2, यहाँ पर पैन रख दिया है मैंने, गोश्त को हमें अच्छे से फ्राई करना है सिर्फ मटन को, ताकि अच्छे से वो क्रिस्पी हो जाए। याद रखिए आप जब भी अचार बना रहे हैं, तो जितनी आप क्वान्टिटी लेंगे ऑलमोस्ट उसकी 1/2 क्वान्टिटी का ऑयल लेंगे, तो अप्रॉक्सीमेट 100 ग्राम के करीब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे पहले और इसे थोड़ा सा तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम मटन ऐड करेंगे और इसे अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई करके निकालेंगे। एकदम इसे अच्छा सा लाइट ब्राउन क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनता है, आप किसी भी करी के साथ इसे खा सकते हैं, राइस के साथ बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है। आप ज़रूर ट्राई करें हमारी ये हैदराबादी गोश्त के अचार की रेसिपी। ये देखिए मटन हमारा ब्राउन और क्रिस्पी हो चुका है, अब इस पॉइंट पे हम इसे निकाल लेंगे। मटन को हमने निकाल लिया है, इसी तेल में हम थोड़ा सा ऑयल और ऐड करेंगे और इसका बघार प्रिपेयर करेंगे। तेल ऑलरेडी गर्म है, तो गैस का फ्लेम मैं लीज रखूँगी। इसमें हम ऐड करेंगे ज़ीरा 1/2 टीस्पून, राई 1/4 टीस्पून और इसे क्रैकल होने देंगे, थोड़ी सी कलौंजी ऐड करेंगे, चलिए साथ ही इसमें डालेंगे लहसुन 3 से 4 और थोड़ी सी 3 से 4 बघार की लाल मिर्च। लहसुन को भी हल्का सा ब्राउन होने तक पकाएंगे। ये देखिए लहसुन भी गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ करूंगी और इसमें ऐड करेंगे, ऐड
साथ में उसकी धनिया के पत्ते ऐड किए हैं मैंने। चलिए इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे और उसके बाद अचार में ऐड करेंगे। हमने निकाल दिया है एक बाउल में और इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च ऐड करेंगे 2 टीस्पून, सॉल्ट हमने मटन को गलाने में ऐड किया था थोड़ा सा हम इसमें भी ऐड करेंगे और फिर टेस्ट करके आप ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसमें डालेंगे मसाला अचार का जो हमने बना के रखा था। नेक्स्ट इसमें डालेंगे हम नींबू का रस, 2 बड़े नींबू का रस लिया है मैंने और इसे। चलिए इन सब चीज़ों को पहले मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें नींबू डाला था इसलिए थोड़ा सा नमक मैंने ऐड किया है ताकि इसका टेस्ट बैलेंस हो जाए। चलिए बघार भी थोड़ा सा हल्का ठंडा हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा बघार और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए एकदम टेम्पटिंग हैदराबादी गोश्त का अचार रेडी हो गया। रेडी हो गया है हमारा सिंपल एकदम आसान मज़ेदार हैदराबादी गोश्त के अचार की रेसिपी। आप ज़रूर ट्राई करें हमारी ये रेसिपीज बेकरीज में और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, शेयर करिए फ्रेंड्स रिलेटिव्स में, देखते रहिए हैदराबादी फूड। थैंक यू एवरीवन।